दोस्तों, दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गेस्ट टीचर्स को एक बार फिर से स्कूल ज्वाइन करने के लिए एक और मौका दिया है। यानी कि जो टीचर्स किसी भी रीजन से रिलीव हो चुके थे, चाहे वो 6 महीने पहले हुए हों, 3 महीने पहले रिलीव हुए हों, 1 साल पहले हुए हों, 2, 3, 4, मतलब कभी भी अगर आप रिलीव हो चुके थे और आप दोबारा से स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आप सभी के लिए इनविटेशन भेजा है, आप स्कूल ज्वाइन कर लें। सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के इस इनविटेशन को ज़रूर स्वीकार कर लें और स्कूलों को ज्वाइन कर लें। कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। उससे पहले थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं कि आखिर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। इतने लंबे टाइम बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट को उन लोगों का ध्यान आया, ख्याल आया, जो लंबे टाइम से रिलीव हो चुके थे। अच्छा, एक तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो काम कर रहे थे उन्हें हटाता जा रहा है, चाहे वो PFC के कारण हो या जो भी रीज़न हो, मतलब टीचर्स हटते जा रहे हैं। दूसरी तरफ नई वैकेंसी, अभी मैंने पिछली वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें नई वैकेंसी भी निकाल दी गेस्ट टीचर्स की, आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक तरफ तो लगे वालों को हटा रही है, दूसरी तरफ नए फॉर्म भी निकाल रही है, तो तीसरी तरफ उन लोगों का ध्यान आया जो अलग अलग रीजन से रिलीव हो चुके थे। अब ये कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा लगता है, कुछ को वापस बुला रही है, कुछ को बाहर कर रही है, कुछ नए बंदों को भी सेवा का मौका दे रही है, तो ये चल क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी थे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, उन्हें लगा कि भाई गेस्ट टीचर्स की जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं तैयारी कर लूं और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो फिर तो परमानेंट हो जाएंगे, तो उन्होंने इस रीज़न से गेस्ट टीचर्स की जॉब को छोड़ दिया। कुछ लोगों ने पर्सनल हेल्थ इशू के कारण भी स्कूल छोड़ दिया था, कुछ आउट ऑफ स्टेशन दिल्ली से बाहर चले गए थे, दूसरा काम धाम उन्होंने शुरू कर दिया था, इस कारण उनका स्कूल छूट गया था। तो उन सभी के लिए, साथ में चाहे आपका कोई भी पर्सनल मैटर हो, चाहे हेल्थ इशू हो, उन सभी को वापस फिर से बुलाया जा रहा है। और आपको क्या करना है, एक विलिंग फॉर्म लेना है, चाहे आप हैंड रिटन में ले लें कि भाई मेरी आईडी ये है, मेरा नाम ये है और मैं इस डेट या इस महीने, इस साल को रिलीव हो गया इस रीज़न से, तो कृपया मेरी आईडी को अनब्लॉक किया जाए और मुझे फिर से स्कूल अलॉट कर दिया जाए। या पर बात यह आती है कि एक तरफ तो बाहर करता जा रहा है, तो भैया जब बाहर कर रहा है तो अंदर क्यों बुला रहा है, और जब अंदर बुलाने वालों के लिए जगह है तो फिर बाहर क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं ये डबल माइंडेड, यानी कि विरोधाभास है। अगर सीट है तो बाहर क्यों कर रहा है, और जब सीट ही नहीं है तो बाहर वालों को क्यों बुला रहा है, नई भर्ती भी आ गई है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, काफ़ी सारे गेस्ट टीचर्स आप में से ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि इनके कम वर्किंग डेज होंगे, जल्दी इनको फिर से रिलीव कर दिया जाएगा। काफ़ी सारे ऐसे भी कहेंगे कि भाई क्या करना है ऐसे ज्वाइन करा के, जब रिलीव ही होना है। तो कुछ टीचर्स का कहना है कि सैलरी पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा, पॉलिसी पर कोई काम ही नहीं हो रहा, और डिपार्टमेंट जो है ये अजीब अजीब से हथकंडे अपना रहा है। देखिए, गेस्ट टीचर्स की जो प्रॉब्लम है ना, वो एक नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग भी प्रॉब्लम है। कुछ के लिए सैलरी मैटर नहीं करता, कुछ के लिए पॉलिसी मैटर नहीं करता, कुछ को चाहिए भाई पॉलिसी बन जाए तो सैलरी मिले या ना मिले, बढ़े या ना बढ़े, कुछ को लगता है कि भाई सैलरी बढ़ जानी चाहिए, कुछ को लगता है कि यार सैलरी बढ़ जाए बाद में, पॉलिसी बाद में बन जाए, फिलहाल मैं रिलीव हो चुका हूँ तो मुझे दोबारा से ज्वाइनिंग मिल जाए, कुछ को लगता है कि यार ज्वाइनिंग तो मिल गया है लेकिन अगर मुझे बहुत दूर स्कूल पड़ता है तो अगर नज़दीक वाला स्कूल पर मिल जाता तो कैसा था, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ को लगता है कि क्या करना है सैलरी से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी गेस्ट टीचर हैं जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही रिच है, बहुत ही बढ़िया है,
और मैंने ऐसे लोगों को सुना भी है जो कहते हैं कि हम तो गेस्ट टीचर्स की जॉब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम घर से बाहर निकल पाए, उन्हें पैसों की मतलब ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना उनका आ रहा है। वो कहते हैं कि हमें ऐसा थोड़ा सा लिए लगे कि हाँ भाई हम जॉब कर रहे हैं ना, तो पैसे उनके लिए मैटर नहीं करता। तो यार डिफरेंट डिफरेंट समस्याएं हैं, अलग अलग चाहत है, अलग अलग ख्वाहिश है ना। तो प्लीज़ आप ये तो बिल्कुल ना कहें कि जब पॉलिसी नहीं बना रहे, जब सैलरी नहीं बढ़ा रहे तो ज्वाइनिंग देने का क्या फ़ायदा, क्योंकि आप लोग ज्वाइन हो इसलिए शायद आप लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जो लोग ज्वाइन ही नहीं हैं उनसे पूछो, उनके लिए ना सैलरी मैटर करती है ना पॉलिसी मैटर करती है, उनके लिए फ़िलहाल ये कि उनको किसी तरह से ज्वाइनिंग मिल जाए। तो वे सिंपल सी बात है, चाहे आप किसी भी रीज़न से आप हट गए थे, आप वापस आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझने वाली ये बात है कि जब सीटी नहीं है तो ज्वाइन क्यों करवा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ अगर संस्कृत की, अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में 16-17-1800 वर्किंग डेज वाले भी बाहर हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट के टीचर्स भी हैं जिनमें 200-150 मतलब वर्किंग डेज वाले भी जॉब पे हैं। अब ऐसे में जिन दोस्तों ने 2-4 साल सेवा दी है सरकार को सरकारी स्कूलों में, वो बाहर हो गए, तो उनके कम से कम 400-500-700 डेज तो हैं। अब ये 500-700 डेज होने के बावजूद वो बाहर हैं, तो ऐसे लोग तो चाहेंगे ना कि हम ज्वाइन हो जाए। भले इन लोगों के आने के कारण जो पहले से काम कर रहे हैं जिनके डेज कम है उनको बाहर होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो लीफो है उसके अकॉर्डिंग जिनके ज़्यादा डेज हैं वो रिलीव हो गए थे किसी रीजन से, तो दोबारा वापस आ सकते। तो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में जिसमें कि कम डेज में भी टीचर्स जॉब पर हैं, बहुत कम, यानी कि जो 150 डेज है जिससे वही सिर्फ बाहर है। तो ऐसे में यार जिनों को लगता था पहले उन्होंने काम किया और उन्होंने तैयारी के लिए छोड़ दिया, या उनके कोई फैमिली इशू थे, हेल्थ इशू था, या कुछ फीमेल साथी हैं जो जिनके बच्चा हुआ है घर में लेकिन वो जॉब ज्वाइन नहीं कर पाए थे, अब उन्हें लगता है कि ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो आप सभी के लिए शिक्षा विभाग ने एक ओपन फॉर्म निकाला है, यानी कि आप 20 अक्टूबर से पहले पहले आपको तिमारपुर अपना डॉक्यूमेंट और अपना विलिंग वाला सर्टिफिकेट ज्वाइन करना है, सबमिट करना है। कमरा नंबर 116 में अपने सारे डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। बाकी लोगों को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या डिपार्टमेंट गेम खेल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फ़िलहाल जो लोग रिलीव हो गए थे उन्हें रिलीव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे सीट पोस्ट हैं, है ना, लेकिन फिर भी रिलीव हो गए हैं, पोस्ट नहीं क्रिएट हो रही है। NIOS में बहुत सारे बच्चे NIOS में जा रहे तो उनके लिए भी टीचर्स की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत सारे नए SOSC के स्कूल खुल गए हैं वहाँ भी टीचर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स की ज़रूरत तो है, बट जो रिलीव हुए उन्हें रिलीव नहीं होना चाहिए था। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, शेयरिंग कर दो इस वीडियो को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि एजुकेशनल सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।